सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बहुत स्वागत करता हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल बिस्टन बॉय में। मैं हूँ आपका होस्ट शारुल और आप देख रहे हो बिस्टन बॉय चैनल। तो गाइस कैसे हो आप लोग यार, उम्मीद करता हूँ बहुत 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 ही अच्छे होंगे। सो गाइस फाइनली सीजन 23 का इलाइट पास का रिव्यू देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। एंड मैंने पहले भी ये इस इलाइट पास के ऊपर वीडियो बना लिया था बहुत पहले, लेकिन फिर से सोचा क्यों नहीं और अच्छे से बंदों को बताया जाए। तो यार वीडियो को शुरू करने से पहले आप बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो एंड साथ में बेल आइकन भी दबा देना। और अगर आपको वीडियो कहीं पे भी अच्छा लगे तो यार एक लाइक ज़रूर करना और गाइस शेयर करो जितना हो सके, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है अभी। एंड वीडियो ऐसे ही रेगुलरली होता जाएगा अभी धीरे धीरे, एंड अभी कंटिन्यूली वीडियो अपलोड करूंगा। तो पहले बात कर रहा हूँ सीजन 23 का इलाइट पास का पहला ड्रेस देख सकते हो फीमेल का, तो मस्त ड्रेस है और मेरे को अच्छा लगा इस बार का। तो बता देता हूँ ये कौन सा रिलेशन है, मतलब कौन सा रिलेटिव से ये इलाइट पास है। तो ये है वुल्फ का, वुल्फ अगर आप लोगों को पता होगा तो वुल्फ का डिज़ाइन से बनाया गया है सब कुछ। तो यहाँ पे देख सकते हो डिज़ाइन में जो पहला शर्ट मतलब फीमेल का शर्ट है तो मस्त है। एंड यहाँ पे AWM का फिर से एक स्किन देखने को मिलेगा आपको, जो सिंपल सा है, ना डैमेज ना कुछ भी नहीं मिलेगा, बस कलरफुल स्किन देखने को मिलेगा AWM का, जो अच्छा है क्योंकि जिन लोगों के पास AWM की स्किन नहीं है उसके लिए अच्छा है। मेरे पास ऑलमोस्ट 5-3 स्किन है ऑलमोस्ट डैमेज में लगा के पैराशूट। और यहाँ पे लोगों की बात कर ले तो लोगों भी अवतार या तो जो भी बोलो लोगों जो भी है तो आपको बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा। वुल्फ का ये दिया हुआ है एंड वुल्फ का दिया हुआ है पैराशूट, जो वुल्फ का फोटो लगा हुआ है जो टैटू जैसा लग रहा है, तो ये भी मेरे को अच्छा लगा। आप लोगों को कैसे लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और यहाँ पे देख सकते हो बैनर भी बहुत ही अच्छा बैनर है, तो ये बैनर भी मेरे को थोड़ा सा डिज़ाइनिंग लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा चेंजेस करके गरीना ने इस बार मतलब इस बैनर को बनाया है। तो बात कर ले तो यहाँ पे ड्रेस की बात कर ले तो फीमेल का तो फाइनली ड्रेस जो बनाया गया है तो बहुत अच्छा ड्रेस है। एंड यहाँ पे जो लोगों की बात कर लूँ, जो आप लोगों को बिना इलाइट पास लेना पड़ेगा इसके थ्रू आपको मिलेगा। एंड यहाँ पे जो बिना इलाइट पास लेंगे उनको आपको मिल जाएगा डायमंड बाउचर। और यहाँ पे बात कर लेते हैं फाइनली जो फीमेल ड्रेस है, मस्त ड्रेस है। यहाँ पे अगर एक एक पार्ट दिखा जाए तो सिंपली बात कर लेता हूँ फीमेल ड्रेस का। इसमें एक पूछ दिख रहा है जो हम लोग का शुद्ध हिंदी है लंगोटे जो है, ठीक है, तो ये आपको दिखने को मिल जाएगा, पूछ एक है। एंड यहाँ पे 3-4 आइटम है, अगर आप सेपरेट कर दोगे पूरा ड्रेस को, हेयर चश्मा और ड्रेस पैंट और शू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हेड आप लोगों को जिस तरह का मिल जाएगा, कान वाला हेड है वुल्फ का। एंड यहाँ पे चश्मा दिख जाएगा, जो हार्ट वाला चश्मा है वो आपको दिख जाएगा। एंड यहाँ पे टी शर्ट जो शर्ट है हम लोग का जो फीमेल का, तो ये भी थोड़ा अच्छा है यार, थोड़ा सा लेदर टाइप का है एंड थोड़ा सा मतलब अच्छा लग रहा है देखने में, कलरफुल थोड़ा काला है बट चलो एक डिज़ाइनिंग के लिए फीमेल लोग के लिए सही है, इसका लुक्स अच्छा लगा मुझे। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोगों का कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है एंड आप लोग मुझे और मोटिवेट करो तो चाहे मैं और अच्छा अच्छा वीडियो बना पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर ले तो और अपडेट्स के बारे में, यहाँ पे जो M16 जो गन है उसका स्किन आपको देखने को मिल जाएगा, जो सिंपल है, इसमें अंदर कोई डैमेज ना कोई कुछ मिलेगा, बस आपको कलरफुल गन मिलेगा, जो एक अच्छी बात है। जिनके पास स्किन नहीं है वो इनको लेके एडजस्ट कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं इमोट्स की, तो यहाँ पे बात कर ले तो ये जो हार्ड वाला इमोट है ये आपको देखने को मिल जाएगा ये सीजन 23 लाइट पास के अंदर, ठीक है। तो जो लोग लेने वाले होता ज़रूर लेना, क्योंकि ये लाइट पास के अंदर इमोट दे रहा है ना, ये मेरे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट लगा, क्योंकि भाई ये इमोट अभी तक कहाँ पे भी अनलॉक नहीं हुआ, तो ये आपको इलाइट पास के अंदर दिख जाएगा। तो इलाइट पास वाला इमोट शायद ही कभी कभार रियर आइटम से आते हैं, जैसे कि अभी रोज़ वाला आया था, वो भी पहले टॉपअप में आया था, तो रियर आइटम कभी कभार लौट के आते हैं, तो यार मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ड्रेस की बात करो तो बहुत सारे ड्रेस आप लोग को ऐसे ही फ्री में अनलॉक मिल जाएंगे, जो आप लोग ऐसे अपग्रेड करके तो मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अवतार की बात करो तो अवतार अच्छा है। एंड सर्वबोर्ड की बात करो तो सर्वबोर्ड अभी जो एक नया सीजन आया है उसका उसके जैसे ही थोड़ा सा मतलब मैचेस है बट अच्छा है। और यहाँ पे देख लो तो यहाँ का डिज़ाइन बहुत ही मस्त है एंड यहाँ पे लोगो जो भी है वो अच्छा है। एंड यहाँ पे जो हम लोग का लूट बॉक्स है तो लूट बॉक्स भी देखा जाए तो यार अच्छा लूट बॉक्स है। और यहाँ पे हम लोग का बैनर भी सही है। और यहाँ पे जो क्या कहते हैं लूट बॉक्स बात कर लेता हूँ यहाँ पे, तो गाइस सर्वबोर्ड की बात कर लो, यहाँ पे दो सर्वबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, जो एक ब्लैक कलर का है एंड थोड़ा रेड और पिंक का, मतलब एक दो है, दो कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे सर्वबोर्ड। सर्वबोर्ड अच्छा है, मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसका जो डिज़ाइनिंग है पूरा थोड़ा सा यूनिक है एंड बाकी सर्वबोर्ड से अलग है, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ आपको मैजिक की फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाएगा और हमेशा की तरह आपको एक ये क्या कहते हैं डायमंड स्टोन देखने को मिल जाएगा। एंड बैकपैक दो मिलेंगे जो आपको सिंपली जो मतलब आप लोग का टास्क कंप्लीट करने के बाद जो लोग इलाइट पास नहीं लेते उनको मिलेगा, एंड जो लोग इलाइट पास बाय करेंगे उनके लिए अलग सा बैकपैक जो है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो बैग बस दो ही है, क्योंकि बैग और नहीं है, मैं यहाँ पे पूरा देख लिया, दो ही बैकपैक आपको मिलेगा। लेकिन इस बार का जो इलाइट पास आप लोग प्री ऑर्डर करोगे, जो प्री ऑर्डर में क्या है वो बता दूंगा, ठीक है, प्री ऑर्डर में क्या मिलने वाला है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे आप लोग का जो ड्रेस है, मेन ड्रेस हम लोग का मेल ड्रेस, ठीक है। तो मेल ड्रेस एक बहुत ही अच्छा ड्रेस है, मेरे को अच्छा लगा। एंड यहाँ पे बैग दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये तो बैग देख सकते हो सॉरी गाइस।
तो बैग भी लेजेंडरी बैग है, जो आपको कुछ कलर वलर निकल रहा होगा एंड बिजली का शौक जैसा है तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। वुल्फ का जो जैसा आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया, वुल्फ के ऊपर बना है ये लाइट पास, तो वुल्फ है उसका ही। और यहाँ पे आपको लेवल 4 का अपग्रेडेड कार्ड मिल जाएगा करेक्टर का, ठीक है। और यहाँ पे बैकपैक मिल जाएगा। और बात कर लेते हैं यहाँ पे फाइनल हम लोग का जो फीमेल ड्रेस मेल ड्रेस है, तो मेल ड्रेस में भी आपको कुछ इस तरह डेकोरेशन मिलेगा जैसे फीमेल ड्रेस में ही है, बस इसमें वुल्फ का जो कान है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे आप लोगों का जो हेड में जो कान दिख रहा है और चश्मा दिख रहा है वो भी आपको मिल जाएंगे। सेपरेट से बता रहा हूँ तो आपको ड्रेस अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मेरे हिसाब से सीजन 23 का इलाइट पास थोड़ा सा अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है थोड़ा यूनिक है, बाकी इलाइट पास से अलग बनाता है, क्योंकि हर एक इलाइट पास एक जैसा होगा तो कैसे होगा भाई, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को अच्छा लगा कि इसमें कुछ यूनिक चीज़ है जो आपको पूछ एक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो पूछ ये चीज़ यूनिक है, आप अलग से सेपरेट से कपड़े में लगाओगे तो सही लगेगा। एंड पहले यार इलाइट पास में पूरा कॉम्बो ड्रेस होता था, आजकल ऐसा नहीं है, आप लोगों को सेपरेट ड्रेस मिलता है, वही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि गरीना ने ये पहले से डिसाइड करके रखा था तो वो मेरे को अच्छा लगा। तो बात कर लेता हूँ यहाँ पे आपको प्री ऑर्डर में क्या मिलेगा, ठीक है। तो प्री ऑर्डर में मिलेगा आपको एक बैकपैक जो मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में। एंड गाइस बता देता हूँ, ये वीडियो ऑलमोस्ट बहुत पहले मैंने अपलोड कर चुका था, तो मैंने सोचा क्यों ना फिर से आप लोगों को बताया जाए। एंड जितना हो सके शेयर करना, जितना हो सके लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो बात कर लेता हूँ यहाँ पे जो सारे ड्रेस है मैंने बता दिया, और यहाँ पे फीमेल का ड्रेस है, ये भी सही ड्रेस है, आप लोगों को पसंद आएगा, मैं भी, क्योंकि ये इलाइट पास मेरे को अच्छा लगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो फीमेल का जो ड्रेस है, इसका जो पूछ है वो वाइट येलो है, एंड मेल का जो है वो है वाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो तो हम लोग का बैकपैक ही सही है, एक नंबर बैकपैक है, ये आपको मिलेगा इलाइट पास के प्री ऑर्डर में, ठीक है। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया था लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही बने रहो यार, वीडियो को एंजॉय करते रहो। मैं मिलूंगा एक नया वीडियो में नया कुछ टॉपिक लेके, आई विल सी यू नेक्स्ट वन, टेक केयर, गुड बाय। ना गली से ना मोहल्ले से मैं निकला हूँ सड़क से, मामा की दादागिरी कुकर भड़क के हम पे फिर भी छोड़ा ना दौड़ा रुला, क्यों क्यों पाला पड़ा तेरा सड़क से, भटके जो लेते झड़प पैदल हटता वट्टा, ऊपर से नीचे से पीछे से देखे तू बहुत गलत किया तूने, हाँ।